किचन क्लीनिंग के बाद किचन को कैसे ऑर्गेनाइज करें कि किचन लगे एकदम फंक्शनल, इजीली एक्सेसिबल एंड ऑर्गेनाइज, देखेंगे आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। किचन कैबिनेट में सब चीज़ें ऐसी ही पड़ी रहेंगी तो ये बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं दिखेगी और इसे यूज़ करना भी डिफ़िकल्ट होगा। तो ईजिली एक्सेसिबल हो और कैबिनेट हमेशा फंक्शनल रहे और आपको डिफ़िकल्टी ना हो एक्सेस करने में चीज़ों को, चलिए देखते हैं कैसे करना है। आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के 3 टायर ऑर्गेनाइज़र और कोई लेजी सुजन। तो लेजी सुजन में आप अपने डेली नीड्स के चीज़ों को रखिए, तो इसमें आप बस रोटेट करोगे और आपको वो चीज़ मिल जाएगी और इजीली विजिबल भी रहेगी। किचन को एकदम फंक्शनल और ऑर्गेनाइज रखने के लिए लेजी सुजन प्ले अ ग्रेट रोल। 3 टायर ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्पाइस जार्स को रखने के लिए। इसमें आपको 3 स्टेप्स मिल जाते हैं, तो बैक साइड में आप जो भी चीज़ रखोगे वो इजीली एक्सेसिबल होगी, विजिबल रहेगी। ना सिर्फ स्पाइस जार, आप अपने ब्रेकफास्ट से रिलेटेड जो भी आप यूज़ करते हैं उसको भी आप इस तरह के 3 टायर ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं। यूजुअली हम स्पाइस बॉक्स में इस तरह टिश्यू पेपर को यूज़ करते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर को बर्बाद करने से अच्छा है कि इस तरह के शॉपिंग बैग हमारे पास ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आप अपने स्पाइस बॉक्स के अकॉर्डिंग उसका सर्कल बना लें और इस तरह से कट करके निकाल लें। अब इसे आप अपने स्पाइस बॉक्स में रख सकते हैं। अब कुछ भी स्पाइसेस अगर गिरेंगे तो इसी पेपर में गिरेंगे, बस आपको पेपर को चेंज करना होगा। बस बीच में जो सेंटर है वहाँ पे मैं इन बॉक्सेस को रख दे रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना फंक्शनल तरीके से ये कैबिनेट रेडी हुआ है और इसमें और भी स्पेस है। इस तरह अगर हम अपने कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये हमेशा ऐसे ही ऑर्गेनाइज रहेगा, कभी भी आपका क्लटर कैबिनेट नहीं दिखेगा। एक्स्ट्रा स्पेस के लिए अंडर कैबिनेट बास्केट भी आप यूज कर सकते हैं अपने मग्स या कप्स को रखने के लिए, या आप माचिस या अपने लाइटर्स जो भी आप यूज करते हो उनको आप रख सकते हो ताकि वो आपको इजीली एक्सेसिबल हो और विजिबल रहे, सामने रहे। और कप्स को आप इस तरह ऑर्गेनाइजर में हैंग कर सकते हैं। बालों का पतला होना, हेयर फॉल, ये प्रॉब्लम्स आज के टाइम में मैन वुमेन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर डेली हमारे कुछ हेयर टूट के गिर जाते हैं तो ये कॉमन है, लेकिन जब हम देखते हैं कि केयर करने के बाद भी ज़्यादा क्वांटिटी में हेयर टूटने लगते हैं और हेयर फॉल होने लगता है फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रेस बन जाता है। हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग काफ़ी रीजन के कारण हो सकती है, जैसे कि डाइट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मेडिकेशन, स्ट्रेस और जेनेटिक्स। डाइट में विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना चाहिए, बट डेली रूटीन में विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है एंड हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसका सॉल्यूशन है नेचर श्योर्स का बायोटिन गमीज। बायोटिन हमारी बॉडी में कैरेटिन की प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है, विच हेल्प्स टू इंक्रीज थिकनेस ऑफ हेयर एंड रिड्यूस रिसीडिंग हेयर लाइन्स। कैरेटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्दी हेयर। नेचर श्योर की इन बायोटिन गमीज में अच्छी क्वांटिटी में विटामिन B12, B6, विटामिन ए, विटामिन ई एंड जिंक है, जो हेयर थिनिंग, हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। ये बायोटिन गमीज अगर आप डेली अपने रूटीन में ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। नेचर श्योर्स बायोटिन गमीज हेल्प टू प्रमोट हेयर थिकनेस, इम्प्रूव हेयर टेक्सचर एंड रिड्यूस हेयर फॉल। ये बायोटिन गमीज आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसके साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड नॉरिश करने में भी बहुत हेल्पफुल है एंड ऑल्सो सपोर्ट्स नेल हेल्थ। नेचर श्योर की बायोटिन गमीज ग्लूटेन फ्री है, इनमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी ऐड नहीं किया गया है एंड ये प्योर वेगन भी है। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके आप इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं और अपनी बहुत सारी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज डू कंसल्ट योर डॉक्टर अबाउट द डोजेज। And if you have any queries, fill the form given in the video description and get free consultation from Nature Sure doctors. बालों की सभी problems को solve करने का best solution है Nature Sure's biotin gummies. इसके सारे buying links video description में मिल जाएंगे। बहुत सारे टिफिन, रोल्स, जिप पाउचेस और फ्रिज बैग्स हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं जो बहुत क्लटर दिखता है। अगर आप चाहें तो अपने जो पुराने टिफिन है बच्चों के उन्हें आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, या तो अपने घर में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, स्टेशनरीज होती है, रबर बैंड्स, बैटरीज होती है, उनको यूज़ कर सकते हैं इनमें ऑर्गेनाइज करने के लिए। या तो आप अपने कैबिनेट में इस तरह से एक रो बना लें और जो भी चीज़ आप बैक साइड रखते हैं कैबिनेट्स में उनको एक हाइट मिल जाएगा। किचन टॉवल्स को आप अच्छे से एक कंटेनर में क्लोज लिड के साथ रखिए ताकि ये डस्ट फ्री और ऑयल फ्री रहे। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे फ्रिज बैग्स होंगे, जिप पाउचेस होंगे, तो
उनको ऐसे ही कैबिनेट में ना रख के आप कोई भी कंटेनर को यूज कर सकते हैं। अच्छे से इन्हें फोल्ड कर ले और टाइडी आप कोई भी कंटेनर में इन्हें रख दें जिसका लीड हो। ऐसे ही एक्स्ट्रा जो हमारे टिश्यू पेपर रोल्स होते हैं उनको भी लीड वाले कंटेनर में रखिए, तो ये भी डस्ट फ्री और ऑयल फ्री रहेंगे। कोशिश करें कि वो कंटेनर जिसमें आपने टॉवल्स रखे हैं, जिप पाउचेस और फ्रिज बैग्स रखे हैं, रोल्स रखे हैं, वो आप एक ही जगह में रखें ताकि आपको याद रहे कि इसी कैबिनेट में आपने इन चीज़ों को रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे क्लिंग रोल को भी एक जिप पाउच में रखा है। किचन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम रखते हैं तो उनको रखने के लिए आप जिप पाउचेस को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को आप जिप पाउचेस में ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये एक ही जगह में रहेंगे और क्लटर भी आपको नहीं दिखेगा अपने किचन में। एक सेट मिलता है जिप पाउचेस का जिसमें आपको स्मॉल से लेके बिग साइज के जिप पाउचेस मिल जाएंगे, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली उनको यूज कर सकते हैं अपने किचन में। तो इन सारे पाउचेस में जिसमें आपने निकनैक्स रखे हैं उनको आप एक साथ रखिए कोई भी बास्केट या कोई भी कंटेनर को यूज करके। किचन में ऐसी बहुत सारी सिमिलर चीजें होती हैं जैसे कि मोर्टर एंड पेस्टल, या हमारे पास छोटे छोटे ग्राइंडर्स होते हैं, अलग अलग टाइप की हमारे पास ऑयल बॉटल्स होती है जो हम रेगुलरली यूज नहीं करते, तो उनको आप एक बास्केट या कोई भी कंटेनर में रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम सेपरेटली ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ताकि वो हमें इजिली मिल सके, तो आप अपने पुराने प्लास्टिक के मसाला बॉक्स को यूज कर सकते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्स को डिजाइनर पेपर के साथ रैप करके ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। और शॉपिंग बैग के जो हैंडल होते हैं उनको आप इसमें लगा लें, तो अगर आप ऊपर कैबिनेट में भी रखेंगे तो इनको आप इजीली निकाल पाएंगे। किचन क्लीनिंग के टॉवल्स को आप सेपरेटली ही एक अलग कंटेनर में रखें। पुराने टॉवल्स को आप इस तरह से पीस करके कोई भी कंटेनर में रखिए, ये छोटे छोटे क्लीनिंग के लिए बहुत काम में आता है, जैसे कि ऑयल वगैरह गिर जाता है तो आप उसे तुरंत क्लीन करके आप उसे फेंक भी सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को एक कैबिनेट में रख दिया है और आप देख सकते हो कि कैबिनेट के अंदर में मैंने ऊपर साइड में कैबिनेट के ऊपर वाले वॉल्स में इस तरह के हुक्स भी लगाए हैं ताकि एमरजेंसी में मुझे कुछ हैंग करना हो तो मैं इसमें हैंग कर पाऊँ। तो इस तरह से आप अपने कैबिनेट को अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए, वॉल्स को यूज कीजिए, उसमें एडहेसिव हुक्स लगा के आप बहुत सारे चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। किचन कैबिनेट में एक लाइनर जरूर यूज करें ताकि क्लीनिंग के टाइम में आपको डिफिकल्टी ना हो। आप अपने पुराने टेबल मैट को यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक लाइनर का काम करता है और क्लीनिंग भी बहुत ईजी होती है इससे। कैबिनेट्स में अगर लाइनर हम यूज नहीं करते हैं तो उसमें ऑयल और डस्ट के कारण बहुत सारे काले धब्बे हो जाते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए स्क्रबर को आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप डिशवॉश लिक्विड को ऐड करके अच्छे से स्क्रब कर देंगे तो आराम से सारे धब्बे निकल जाएंगे। उसके बाद गीले टॉवल से आप पोंछ लीजिए, उसके बाद सूखे टॉवल से ज़रूर पोंछिए क्योंकि कैबिनेट में कोई भी मॉइस्चर या गीलापन नहीं होना चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा आज का वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।